गाइड को लेके जाऊंगा तो फिर मेरा आने का यहाँ पर फायदा क्या हुआ? तो एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये वाला जो रूट है ना, ये आता है देहरादून की साइड से, ये वाला रोड, और ये वाला जाता है यमुनोत्री की साइड, और ये वाला मंदिर है की साइड जाता है। ये नौगांव जगह है वैसे तो, और यहाँ पर ये है कि कुछ गाड़ियाँ आके रुकती हैं, कुछ गाड़ियाँ नहीं रुकती। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो तो रुकते नहीं है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकता है यहाँ पर प्रॉपर। और इधर की साइड जाते हैं तो यमुनोत्री और गंगोत्री वाला जो रूट है वो इस वाले रूट पर पड़ता है। आगे बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर के बाद यहाँ से एक रोड कट जाता है, वो गंगोत्री के लिए जाता है, और यमुनोत्री वाला 59 किलोमीटर नियर अबाउट है, और बरकोट और जो सांकरी है वो इसी वाले रोड पे है। सो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। एक चीज़ करेक्ट करनी थी, मैंने गलत बता दिया, हम जा रहे थे पुरोला की साइड जाना है, हमें यमुनोत्री की साइड नहीं जाएंगे, हम पुरोला की साइड जाएंगे। इसी से आगे टू वर्ड्स जो है वो पड़ेगा सांकरी, सांकरी से देन मैं करूँगा केदारकांठा। ये जगह है पुरोला जो कि पड़ती है नौगांव के बाद, नेक्स्ट स्टॉप जो है वो यही है। और भाई यहाँ पर जो ये पेट्रोल पंप था, ये पेट्रोल पंप लास्ट है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ता, मतलब सांकरी और उसके आगे जो जाती है उसके आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, ये लास्ट पेट्रोल पंप है पुरोला के अंदर, उसके बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आपको आना है तो यहाँ से फिलअप करा लो, उसके बाद देन आगे जाओ, यही एक लास्ट स्टॉपेज है। अभी रुकी है 11:48 पर रुकी थी, 12:20 पर यहाँ से पहुँच जाएगी बस, फिर आगे सांकरी पर ही रुकेगी। आगे आके चल के देखते हैं। हाँ जी भैया, पहुंच गए सांकरी। ये सांकरी का व्यू है पीछे की साइड, जो मेरे वो बस स्टैंड है उधर की साइड, और जो ट्रैक शुरू होता है ना वो इधर की कहीं से आगे जाके है बेसिकली। अब तो पहले मेरे को स्टे देखना पड़ेगा रहने के लिए, और चलते हैं आगे चल के देखते हैं सांकरी गाँव कुछ इस तरीके का है। सो अभी बज रहे हैं 4:10, आगे चल के देखते हैं कितनी देर में स्टे मिलेगा, और उसके बाद अगर कुछ एक्सप्लोर करने का हुआ यहाँ पर वो भी करूँगा। वो जो वहाँ पर केयर टेकर था उसने मेरे को बोला कि परमिट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको एक गाइड लेके जाना पड़ेगा। अगर यार गाइड को लेके जाऊंगा तो फिर मेरा आने का यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा? तो देखते हैं, किसी ग्रुप के गाइड के साथ करेंगे बात, उसके साथ ही जाएंगे आगे। कल सुबह मिलेगा परमिट, 8 बजे मिलता है, 8 बजे रेडी होके यहाँ पर पहुँच जाना है। बाकी देखते हैं, चलते चलते पता लगेगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करनी है। हाँ जी भैया, मेरे को मिल गया स्टे, और स्टे मेरे को बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे मिल गया, और कल के लिए मैंने ये भी फाइनल कर लिया है कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि मेरे को गाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि विदाउट गाइड ये परमिट नहीं करते ऊपर जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। और पर डे का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो चार्जेस है, परमिट फीस जैसे कह सकते हो आप, वो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है, तो 3 दिन के 150 रुपये लेंगे वो, और बाकी गाइड के चार्जेस अलग हैं, स्लीपिंग बैग, टेंट पैक, खाना पीना सब कुछ अलग, ये सब चीज़ों के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं।
और बाकी जिसके अंदर मैं हूँ ये ड्रोम है, ये तो इसका सबसे बड़ा वॉशरूम है। पानी बड़ा ठंडा था यार, पानी जो था ना वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, बस हो गया मेरा काम। ये बेड है, ये बेड है, ये मेरा काम पड़ा है यहाँ पर सामान। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब दिख रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये देखो टेंट है, ये है जब का मुंह वो देख रहे हो, वो मुंह वो वहाँ पर पड़ी हुई है सारे में बर्फ। और मेरे को इधर की साइड है केदारकंठ पीछे की साइड, और ये संतरी भी नहीं है पूरा। और इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है इसके अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ। रूफ इस तरीके की है, ये कर्टेंस वगैरह है, एक बेड ये है, एक बेड ये है, एक ये वाला बेड है जिसके अंदर मैं हूँ, ये वॉशरूम है, और ये मैं। ये ट्रैक मतलब सीरियसली बहुत डांसू होने वाला है, मज़ा आ जाएगा इस ट्रैक के ऊपर करने में, क्योंकि एक तो बजट ट्रैक है, दूसरी बात ये विंटर्स में स्नो ट्रैक है, और केदारकंठ में सोलो कर रहा हूँ तो और मज़े की बात है। सामने की साइड भैया तगड़े वाली ठंड है, ध्यान ध्यान से जाना पड़ेगा, खाना खाने के लिए भी बिल्कुल शांति है। मतलब पहाड़ों पे ये देख लो कि अभी बज रहे हैं 6:32 तक सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है, ख़त्म सही। मतलब यहाँ पर कोई देखने विखने का कोई सीन नहीं है, आपको खाना पीना हो जल्दी खा पी के छुट्टी करो, बाद का कोई सीन नहीं रहता। मतलब जल्दी एक तो दिन ढल जाता है कि आपको सब चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो। तो चलते हैं खाना खा के आते हैं। तो भैया लाइट चली गई है, और ये देखो चांदनी रात में कैसा मस्त मजे आ रहे हैं यहाँ पर, गजब की फील आ रही है इस टाइम। मतलब ऐसा मौसम है ना कभी देखने को मिलता है, और ये चीज़ आप देखने को मिलती है।